सतनाम सतनाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु जी। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? और सुबह सुबह भी हम लोग तैयार होके निकल रहे हैं। हेलो, सुबह सुबह ना हाथ धो के जा रहे हैं हम गोल्डन टेम्पल। आज अभी वेनी आ रही है और हम लोग अभी आ चुके हैं। और हम सब यहाँ पे पहुँच चुके हैं और गोल्डन टेम्पल का पीछे वाला जो गेट है ना, वहाँ से हम लोग जाएंगे। बिकॉज हम लोग रिक्शा से आए थे और रिक्शा आगे वाले रोड से ना आता ही नहीं है, तो कल हम रात में जब हम लौट के गए थे तो हमें पता चला था कितने दूर है। बट इसी वजह से ना हमने पीछे से आए हैं और यहाँ पे चिप्स वगैरह ये खरीद रहे थे, क्योंकि हमें कुछ खाना था। सोचे कि थोड़ा बहुत खा के उसके बाद हम अंदर जाएंगे, नहीं तो अगर एक बार हम अंदर चले जाते तो कुछ खा पी नहीं पाएंगे। तो इसलिए चिप्स बिस्किट यही सब, और इन लोगों को चाय पीना था। कर चुके हैं हम और यहाँ पानी में से हम लोग के जाना है। ये देखिए वीडियो बंद कर लो। अच्छा, वाहेगुरु जी कहीं साइड हो जाए भाई, यहाँ नहीं जाना है। एक वक्त जाएंगे तो पता चलेगा। बाप रे। और यहाँ इंटर हम अंदर कर गए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि हम देख के हैरान थे कि हम किधर से लाइन में जाएं, क्योंकि जहाँ से लाइन शुरू थी वो लाइन दिख ही नहीं रही थी कहीं से शुरू भी हुई है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बस हम सोचे कि हम लगे भी लाइन में कि हमें 4-5 घंटे। आप देख सकते हैं ये तो बहुत ही कम मैं आपको दिखा रही हूँ, जितनी लंबी लाइन थी ना हमें 5 घंटे इसमें लगे थे। 4-5 घंटे आराम से लग गए थे। बीच में तो हम यहाँ से ना निकल के चले, यहाँ लाइन में लगे थे, बट इस वर्ष यहाँ पर ना बोले सब लोग बोले कि लेडीज़ वाले लाइन में चले जाओ, तो फिर हम चले गए थे। वहाँ पे इतने ज़्यादा धक्का और जितनी भी लेडीज थी ना सब एक के ऊपर एक गिर रही थी। फिर मैं वहाँ से निकल गई थी कि अब हमें नहीं जाना है, आप जाओ। फिर इन्होंने बोले कि अगर स्पर्श मेरे साथ रहेगा तो वो नहीं रोएगा। फिर मैं इनके साथ फिर से आके इनके साथ लाइन में लगी मैं। और हम लोग तो यहाँ पे मास्क लगाए हुए थे, बट यहाँ पे बोला गया कि किसी को मास्क नहीं लगाना, यहाँ पे कोरोना नहीं है। और यहाँ पे फिर भी 2-4 लोग लगा ले रहे थे, लेकिन अंदर जब हम गोल्डन टेम्पल में एंटर किए थे उस टाइम पे तो बिल्कुल भी मास्क नहीं लगाना था और निकाल के ही अंदर को जाना था। और सबसे अच्छी बात यहाँ की थी कि इतनी भीड़ में ना यहाँ पर पानी वानी मिलता है, जिससे थोड़ा सा सुकून मिलता है। और ये पानी वानी मिल रहा था ना, क्योंकि अंदर तो पानी ऐसे खरीद तो सकते नहीं है, बट ये लोग जो दे रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें देख के यहाँ पे। हम लोग जितना सोच के आए थे ना उससे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ में हमें जाना पड़ेगा। हम सोचे कि नॉर्मल सी भीड़ होगी, मतलब चलो 1 घंटे लाइन में लगना, 1.5 घंटे, बट यहाँ पे 4 घंटे खड़े खड़े। यही था कि लाइन में ना बीच में बैठना पड़ा था, तो वो थोड़ा सा ना पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। स्पर्श तो रोने लगा था, आद्या भी रोने लगी थी कि हमें नहीं जाना है नहीं जाना है। बट अब हम आए थे तो हम लौट के नहीं जाना चाहते थे। मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा माथा टेक लूँ। मैं यहाँ देखिए स्पर्श को मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, कितना क्यूट सा लग रहा है। और यही था कि बीच बीच में ना 3-4 जगह से हमें बैठने को मिल जा रहा था, तो थोड़ा सा आराम मिल रहा था। यहाँ स्पर्श पानी पी रहा है। हाँ।
मोदी बोल रहा है, मोदी का है। चलो 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 और यहाँ पे बहुत नज़दीक से मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ गोल्डन टेम्पल के दरवाजे तक हम लोग पहुँच चुके हैं। वैसे यहाँ पे ना रिकॉर्ड करना मना था, थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया, कोई कोई लोग कर भी ले रहे थे, तो बस हमें कुछ कदम और जाना है और यहीं से आपको दिखा देती हूँ क्योंकि आगे कुछ भी मैं ना रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं गोल्डन टेम्पल के ऊपर, जो साइड में सीढ़ियाँ हैं ना उसके ऊपर, और यहाँ से भी हम काफ़ी देर तक हम लोग देखते रहे। इतना मन को शांति मिल रहा था यहाँ पहुँच के। वहीं रहिए, फोटो और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत फोटो क्लिक वगैरह करा रहे थे। काफी अच्छा खूबसूरत सा व्यू था यहाँ का, और गोल्डन टेम्पल के पास फोटो खिंचाने का मजा ही कुछ और होता है। और अभी हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में। जितना भी हमें ऑर्डर करना था सब एक साथ ही ऑर्डर कर रहे थे क्योंकि हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किए थे और 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, 3:30 का ये टाइम हो रहा था। सुबह से लेके दोपहर तक पूरा हमारा वहीं पे निकल गया था, एंड अभी भूख भी बहुत तेज़ की लगी थी, तो एक साथ ही सारा खाना हम खाएँगे, उसके बाद हम होटल जाएँगे और मतलब वही ना शाम को ही हमें यहाँ से निकलना है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, एक लाइक कर देना, शेयर करना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।